एक बार मैं बता दूं, याद दिला दूं, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया जो तुम्हें नहीं समझ में आई पूछ लेंगे बेटा सब। फर्स्ट जो अपने चल रही है आरओएच, अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल, उसमें अल्कोहल के बंध विघटन की जो ओएच बंध विघटन की अभिक्रियाएं है उसमें तुमने कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी है। तुमने फर्स्ट पढ़ा था धातु से क्रिया, मेटल से क्रिया, दूसरा तुमने जिसमें सोडियम मेटल जो भी होगी वो जुड़ जाएगी, जैसे सोडियम मेटल जोड़ रहे हो तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनेगा, जो भी मेटल जोड़ रहे हो जो भी मेटलिक ऑक्साइड है उससे मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, आरओ माइनस बनेगा, इससे अपन क्या करते हैं अम्लीय प्रकृति बताते। फिर जो सेकंड थी वो तुमने ऑक्सीकरण पढ़ा था बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तीसरा तुमने डिहाइड्रोजनीकरण पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, जिसमें था कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति। उसके बाद फोर्थ अपनी अभिक्रिया थी एस्टरीकरण, उसमें तुमने पढ़ा था अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल तो अपना एच देता है, एच प्लस की उपस्थिति, और कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना क्या देता है, ओ एच देता है, तो आर ओ एच और अपन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, एसिड कोई भी अम्ल ले लो, एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो H2O बाहर चला जाएगा, एस्टर बनेगा। एस्टर बनने का क्रम आप लोगों को पता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, कारण पता है क्योंकि इस OH बंध के तोड़ने में, इसके वियोजित होने में R समूह जितना छोटा होगा उतनी जल्दी OH बंध का विघटन होगा। ये अगर R ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा, मतलब 3R लगते गए, 4R लग कार्बन हो गए, तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। समझ गए अच्छे से? ठीक है, ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पढ़ लिया था तुमने एस्टरीकरण। उसके बाद में आती है बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया अपनी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, जिसमें अपन ने बनाया था एल्किल नाइट्रो एल्किल ग्रुप बनाया था, NO2 RNO2 बन गया था, नाइट्रो एल्केन अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट अपनी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण। कल तुमने पढ़ ली होगी अभिक्रियाएं, PDF भी मैंने रात को भेज दिया था, नोट्स का कॉपी में लिख लिया सभी ने। अब बताओ किसी को इस OH बॉन्ड डिसोसिएशन की 6 अभिक्रियाओं में से किसी में प्रॉब्लम है क्या, नंबर लिख दे बस, कोई से समझनी है तू नहीं समझनी तो आज फिर अपन RO की अभिक्रिया पढ़ेंगे, एल्कोहल खत्म हो जाएगा। ठीक है, RO का अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे तो एल्कोहल अपने हो जाएगा कंप्लीट। बोलो इस मॉडर्न गुरु में कोई अभिक्रिया समझनी है तुम्हें, रात को भेज दिया था ना PDF, लिख लिए थे नोट्स। डीहाइड्रोजनीकरण तीसरी, ध्यान दो बेटा डीहाइड्रोजनीकरण समझनी है भाई इसको। यस मैम, राज क्या समझना है तुम्हें, चौथी और पांचवे नंबर की अभिक्रिया एस्टरीकरण और नाइट्रीकरण, ध्यान दो तीसरी समझो पहले बेटा। बी हाइड्रोजनीकरण क्या है, कौन सी अभिक्रिया, 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री की। 3 डिग्री की देखो, 3R ले लो, R बराबर कोई उदाहरण मान लो, CH3 कुछ भी मान लो, मान लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था देखो अपन पढ़ रहे थे OH बंध विघटन, ये पढ़ रहे हैं ना, लेकिन बेटा जैसे जैसे R समूह की संख्या बढ़ती जाएगी ना, तो ये इस O और H बंध के विघटन में ये R समूह भारी होने की वजह से, बड़े होने की वजह से इस बंध के वियोजन में बाधा डालेंगे। समझ गए, इसीलिए क्या होगा, अब इस कार्बन को पता है जैसे जैसे ये स्थायित्व की ओर जाएगा, अपने को पता है जब 3R होंगे तो ये कार्बन बनेगा तृतीयक कार्बोकैटायन, उस समय ये वाला बंध ना टूट करके कौन सा टूट जाएगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये CO का बंध टूटेगा जभी तो कार्बन पे प्लस आएगा, OH माइनस चला जाएगा, और कार्बन पे प्लस आते ही बनेगा तृतीयक कार्बोकैटायन जो कि अधिक स्थायी है। समझ में आ गई बात, अब देखो यहां से OH जाते ही कार्बन पे आया प्लस, तो कार्बन पे प्लस आते ही कोई भी एक तीनों में से आर में कोई भी एक दाता अपनी हाइड्रोजन का दान कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लू CH2 और इसकी एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लू, एक ही बात है CH3, तो जैसे ये बंध टूटते ही कार्बन पे धनावेश आएगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो तुम्हारे पास बन जाएगा सी डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आर और यहाँ आर, अगली बात समझ में, और प्लस में क्या बाहर चला जाएगा, ये OH यहाँ से और ये H है, तो ध्यान रखें जब अपन डी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तृतीयक एल्कोहल का, तो
OH वाला बंधन ही टूटता, CO वाला बंध टूटता है, ठीक है। और OH और H मिलकर के बना ले जाएंगे H2। आ गई बात ढंग से समझ में? तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, लेकिन 3 डिग्री से क्या बनेगी? एल्कील, ठीक है। अब देखो 4 नंबर वाले पता, इन अभिक्रियाओं में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एस्त्रीकरण अभिक्रिया आ रहा आजकल, तुमने पढ़ा नहीं है शायद। देखो एस्त्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ROH बंध वियोजन पढ़ रहे हैं, जब अपन इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, अम्ल से करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ की उपस्थिति में। अभिक्रिया मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, उत्क्रमणीय होती है ये अभिक्रिया, ठीक है। होगा क्या, यहाँ का तो H और इसका OH, हमेशा ध्यान रखे एल्कोहल अपना H ही देता है, ये नहीं कि इसका OH ले लो और उसका H ले लो और H2 हटा दो, नहीं, एल्कोहल हमेशा अपना H देगा और अम्ल हमेशा अपना क्या देगा, OH, क्योंकि H देने पे बनता है एल्कोक्साइड, RO- बनता है। अब जितनी जल्दी OH बंध टूटे, बताओ किसमें टूटता है OH बंध सबसे जल्दी, प्राथमिक एल्कोहल में, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल में ये R जो होता है वो छोटा समूह होता है, बाकी तो दो छोटी छोटी हाइड्रोजन लगी हुई होगी, R कितने होंगे, केवल एक। तो वो त्रिविम बाधा जो होती है, मतलब उस OH बंध के टूटने में रुकावट नहीं डालेगा। बाकी यदि तृतीयक हुआ तो 3R होने की वजह से इस OH बंध का वियोजन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ रही बात। जब OH बंध ही आसानी से नहीं टूटेगा तो एस्त्रीकरण की क्रियाविधि भी संपन्न नहीं होगी। यही कारण है कि प्राथमिक एल्कोहल तीव्र गति से एस्टर बनाएगा, द्वितीय कुछ धीरे, और तृतीय की गति बहुत ही क्या होगी, धीमी होगी, बहुत मंद गति से एस्त्रीकरण की क्रियाविधि होगी। आगे बात समझ में? और यहाँ से हटा दो H2 और सीधा सीधा जोड़ दो RO, सी डबल बोल लो और R, क्या कहते हैं इसको, एस्टर, समझ गए। पांचवी अभिक्रिया थी बेटा नाइट्रिक अम्ल, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी है नाइट्रिक अम्ल वाली अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल अपन कहते हैं HNO3 को, HNO3 को, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब इसमें से OH बाहर निकाल लो H2 लेने के लिए, तो ये लिख लिया मैंने OH, O और H निकालते ही क्या बच गया, NO2 बच गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ NO2 ये बना दिया मैंने NO2। अब यहाँ से H और इसका OH हटाना तो बनेगा RON डबल बॉन्ड और O, ये एक तरीके का क्या है, NO3 है, हाइड्रोजन के पास कितनी ऑक्सीजन है, 3, तो RNO3 को अपन क्या कहते हैं, ये देखो ये नाइट्रेट है और ये क्या है, एल्किल, तो एल्किल नाइट्रेट। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है, ये हो गई फोर्थ। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको, अरे तुम लोगों को जब मैंने कह रखा है कि ऑर्गेनिक अपन पढ़ेंगे हाथों हाथ पूरी याद होनी चाहिए, मैं कहीं से भी कोई भी अभिक्रिया पूछ सकती हूँ, रब कॉपी लेकर के बैठेंगे हमेशा, बोलो किसी रिएक्शन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या बेटा, 20-20 बार समझाया जा रहा है फिर तुम्हें पूछा जा रहा है, और ये और सिर्फ रोज की क्लास में कितने स्टूडेंट रहते हैं, 10 या 12, और भी तुम्हारे जो साथी हैं उनको बताया करो फोन करके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैडम पढ़ा रही है, तो क्लास लिया करे रोज, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, अक्टूबर तक स्कूलें खुलेगी जब तक तुम्हें एक लाइन नहीं आएगी ये सुन लो, तब पढ़ेंगे फिर, मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होगी, बैठे रहेंगे, तो इसलिए साथ साथ पढ़ते रहो ताकि स्कूलें खुलने के बाद केवल अपने को रिविजन शब्द की जरूरत रहे, समझ में आ गई बात। तो ये अपने कंप्लीट हो गई OH बंध विघटन। आप बोलो और किसी को कोई समस्या है किसी अभिक्रिया में, नहीं है, है कुछ पूछना है निशा? अब अपन आगे बढ़ते हैं फिर RO बंध विघटन की अभिक्रिया। अब अपन बेटा कौन सा बंध तोड़ेंगे, एल्कोहल में दो ही तो बंध दिखते हैं तुम्हें, एक तो OH के मध्य वाला और एक RO के मध्य, R बराबर क्या है, C तो है, कार्बन ही तो है। अब अपन दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे RO बंध विघटन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बताओ जब तुमने OH बंध तोड़ा था तुम क्या सिद्ध कर रहे थे, मुझे ये बात भी बताते जाओ, जब तुमने ये वाला बंध तोड़ा तो क्या बना तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बना RO- H+। ये अभिक्रिया क्या सिद्ध करती है बताओ, H+ देने वाले को अपन क्या कहते हैं, अम्ल। ये अभिक्रिया सिद्ध कर रही थी कि एल्कोहल किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। अब आ जाओ दूसरी अभिक्रिया में, आपने 11वीं क्लास में लुईस की परिभाषा पढ़ी है, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत,
बड़ा है, क्या कहता है बताओ? लुईस, लुईस कहता है कि वह यौगिक जिसके पास में क्या बच जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो क्या कहलाता है? लुईस चार कहलाता है। समझ गए? ऑक्सीजन के बाद दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं? दो इलेक्ट्रॉन युग्म। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसमें उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया AlCl3, ये क्या है? ये लुईस अम्ल है। कैसे पता चला? एल्यूमिनियम के पास संयोज्य इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तीन। बोरोन के परिवार का सदस्य यही है, बोरोन के पास जितने होंगे उतने इसके पास, तो तीनों के तीनों देखो इसने बंद में दे दिए, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो कहलाएगा लुईस अम्ल। यदि इलेक्ट्रॉन का युग्म बच जाए, जैसे ऑक्सीजन के पास छह होते तो छह में से बंद में केवल कितने दे रखे हैं इसने? दो। चार इलेक्ट्रॉन बचे में, तो इलेक्ट्रॉन का युग्म यदि बच जाता है तो वो सदैव लुईस चार कहलाता है। समझ गए? तो इस हिसाब, इस परिभाषा के हिसाब से यदि अपन देखे तो ध्यान दो, एल्कोहल किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। अब अपन देख भी लेते हैं, देखिए कैसे क्षारीय प्रकृति का हुआ, समझो इसको कैसे क्षारीय होगा। बताओ H प्लस देने वाला क्या होता है बेटा? अम्ल। तो H प्लस को ग्रहण करने वाला क्षार होता है। अब मान लो कोई H प्लस आएगा, ध्यान देना, देखो कोई H प्लस आएगा इसके पास, एल्कोहल के पास, और अपने लो H प्लस का मतलब तो समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। एक भी इसने दे दिया। अब ये क्या करेगा? एक बंद को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पड़े? चार। तो ये इसके पास जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ऊपर वाले, ये हाइड्रोजन के साथ बताओ कौन सा बंध बना लेगा? उपसह संयोजक बंध। अरे उपसह संयोजक बंध यही तो होता है जिसमें केवल एक ही परमाणु भाग लेगा निर्माण में, ऑक्सीजन ही देगी दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, देखना ध्यान से, देते ही ये जुड़ गई हाइड्रोजन, समझ गए? और बच गए कितने इलेक्ट्रॉन अब इसके पास? दो। देखो एक दो तीन चार और पांच, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए ऑक्सीजन के पास? पांच। छठा कौन ले गया? ये हाइड्रोजन ले गया। तो बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्लस संयोजी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होते ही क्या आ जाता है? ऋणावेश। समझ गए? ऑक्सीजन पे जब ऋणावेश था उसको अपन कह रहे थे एल्किल के साथ जोड़ के, ऑक्साइड कहते हैं ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो ऑक्साइड, और ऑक्सीजन पे प्लस लग जाए तो, मैंने आपको पहले भी बताया था केमिस्ट्री में प्लस की पहचान होती है, उसमें अनुलग्न जुड़ता है ईएम शब्द, ईएम। जैसे नाइट्रोजन पे NH4 के ऊपर मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या नाम है इसका? अमोनियम। समझ गए? ये अमोनियम। ऑक्सीजन पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, क्या कहेंगे? ओक्सोनियम। समझ में आ गई बात ढंग से? ये कौन सा आयन बन गया बेटा? ओक्सोनियम आयन। ध्यान से मेरी बात सुन लो, कभी भी किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के ऊपर यदि ऋणावेश आ जाए, ये देखो आ गया ऋणावेश, तो ऋणावेश आ जाता है तो वो अत्यधिक क्या हो जाता है? स्थाई। अरे धनवान आदमी के पास और धन आ जाए ना, उस स्थिति में उसका स्थायित्व, उसकी पैठ और ज्यादा हो जाएगी। ठीक वही कंडीशन है, ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, अगर इस पहले से विद्युत ऋणात्मक का ज्यादा है और नेगेटिव आ गया तो और ज्यादा स्थायी हो जाएगा। लेकिन यदि प्रबल विद्युत ऋणी पे क्या आ जाए? धनावेश, वो उसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अस्थायी हो जाएगा। ऑक्सोनियम आयन क्या है? अस्थायी है। ऑक्सीजन को होश आएगा कि जोश ही जोश में अपन ने किसको जोड़ लिया? H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब वो अपने आप को संभालने के लिए क्या करेगा? इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस एक ही तो कम है, ये क्या करेगा? किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा? इस R का। समझ गए? और लेते ही ये देखो दो इस बंद के हो जाएंगे, दो ऊपर पड़े चार, एक घेरा पांच और एक घेरा कितने हो जाएंगे? छह। लेते ही ये पूरा का पूरा बंद अपनी तरफ ले जाएगा घसीट के, तो लेते ही R का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, क्या बन गया? R पॉजिटिव। समझ गए? प्लस
ये किस रूप में बाहर चला गया, देखो H2O। आ गई बात समझ में, प्लस में क्या बाहर चला गया, H2। ये अभिक्रियाएं अब अपने को सब में पड़ी है, समझ गए, अपने को H2O हटाते जाना है, R प्लस बनाते जाना। आ गई क्या बात ढंग से समझ में, किसी को कोई दिक्कत है भाई? अब देखो देखे नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे अब एक एक अपन। ये तो था तरीका इसका कि जब अपन आरओ बंद वियोजित करें। अब देखो आरओ तो टूटा है इसमें, तुम कहे मैडम आरओ तो हमें दिखाई नहीं टूटता हुआ, कहाँ टूटा आरओ बंद? अरे ये कौन सा बंद टूट रहा है, ये आरओ के मध्य का बंद। तो अपन दूसरी अभिक्रिया यही तो पढ़ रहे हैं, आरओ बंद विघटन अभिक्रिया होगी। क्यों इसका कारण मैंने तुम्हें स्पष्ट किया है कि बेटा लुईस के अनुसार इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है दो, इसलिए H प्लस इस पे आक्रमण करेगा तो ये कहलाएगा लुईस क्षार और बनाएगा ऑक्सोनियम आयन जो कि अस्थाई होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। और होते ही फिर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन प्लस के रूप में चला जाएगा H2 बांट, इस तरीके से CO बंद का विकलन होगा। ठीक है, अब अपन CO बंद विकलन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं वो पढ़ते हैं। जैसे अपन ने मॉडर्न गुरु वाली अभिक्रियाएं पढ़ी थी 5-6, वैसे ही इसमें भी 5-6 अभिक्रियाएं हैं, बिल्कुल एक एक लाइन की। समझो एक अभिक्रिया आपने इसकी क्रियाविधि भी है कोर्स में, वो क्रियाविधि सिखाऊंगी अभी देखना। ठीक है, हाँ भाई सबसे पहले ध्यान देंगे अपन पढ़ेंगे डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। डीहाइड्रेशन निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का क्या मतलब होता है, जल का बाहर निकलना। मैं जैसे कहूँ ना रही उसका निर्जलीकरण हो गया, मतलब उसमें से क्या हो गया बेटा, जल का अणु बाहर निकल। जल अपघटन का मतलब होता है जल जोड़ेंगे अपन, किसी की जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए तो अपन बोलते हैं उसका अपन ने जल अपघटन करवा दिया, जल के साथ मिला के उसको तोड़ दिया। निर्जलीकरण ध्यान देंगे, डिहाइड्रेशन अपन किसको कहते हैं, देखो निर्जलीकरण होगा मतलब H2 बाहर, जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें वो क्रियाविधि बताई थी ऑक्सोनियम बना था उसमें क्या बाहर निकल रहा था, H2। आ रही थी बात समझ में, ठीक वैसे अपन और ध्यान देंगे जो अपन आरओ बंद विघटन पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल अपने कोर्स में 1 डिग्री अल्कोहल का ही है बेटा, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के नहीं है, केवल अपने कोर्स में आरओ बंद विघटन 1 डिग्री अल्कोहल का ही है। ठीक है, तो इसलिए अपन जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे वो 1 डिग्री अल्कोहल के होंगे। तो अब देखो मैंने आर बराबर कुछ भी मान लो, जैसे मैंने लिख लिया CH3CH2OH, कौन सी अल्कोहल दिख रही है तुम्हें, ये 1 डिग्री OH से जुड़ा हुआ कार्बन, देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, समझ गए। हाँ भाई अम्ल की उपस्थिति हमेशा ध्यान रख के, बात मैंने पहले भी कह दी, चाहे अपन जल अपघटन करवाए चाहे जल का अणु बाहर निकले, निर्जलीकरण होता हमेशा किसकी उपस्थिति में है, अम्ल की उपस्थिति, समझ गए। ये H प्लस आएगा जब भी तो आक्रमण करेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, उत्पाद बता दूं पहले फिर क्रियाविधि पढ़ेंगे। देखो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, OH माइनस, क्योंकि CO बंद विघटन पड़ रहा है, OH माइनस बाहर निकलेगा। OH माइनस के बाहर जाते ही बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। प्लस आते ही कार्बन मदद मांगने जाएगा, ये R बराबर जुड़े हुए, R का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, दाता है, कहेगा मेरी आज स्थिति खराब है, आज मेरे पास प्लस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, चौथा कौन ले गया, ओ ऑक्सीजन ले गई, और किस रूप में चली गई, OH माइनस में, समझ गए, ये OH माइनस में बाहर चली। तो ये वाला जो कार्बन मदद के लिए खड़ा है, ये अपनी तीनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो देते ही इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये किस रूप में बाहर जाएगा, H प्लस के रूप में, H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O। तो उत्पाद क्या बना, देखो मैं लिख रही हूँ जो चेक करना, देखे इधर तो रह गया क्या CH2 और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, फिर आगे क्या आ गया CH2
प्लस में क्या बाहर चला गया, एच टू। आ गई बात ढंग से समझ। इसमें बेटा एक तापमान की बात याद रखना हमेशा, ये अभिक्रिया 443 केल्विन टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि ये की अभिक्रिया ना तुम्हें दो जगह देखने को मिलेगी। जब मैं इथर वाला भाग पढ़ाऊंगी ना इथर, तो वहां भी ये का ये आएगा सेम, लेकिन वहां एल्की नहीं, वहां इथर बनेगा, बनेगा वही 1 डिग्री एल्कोहल से ही, पर फर्क ये होगा कि 413 केल्विन होगा ना जब वहां इथर बनेगा, और अणु एक नहीं, अणु कितने होंगे वहां, दो, दो अणु होंगे, 413 केल्विन ताप होगा, तो ये की अभिक्रिया में इथर बन जाएगा। एक ही अणु होगा 443 केल्विन तापमान के ऊपर एल्कीन बनेगा, उच्च ताप पे एल्कीन बनेगी, 413 पे इथर बनेगा, समझ गए। अब मैं इसकी क्या पढ़ूंगी, क्रियाविधि, अपने क्रियाविधि इसकी कोर्स में, समझ गए, ध्यान दो। क्रियाविधि केमिस्ट्री में तुम्हें हमेशा सुन ले, हर एक चैप्टर में 10 से लेकर के 13 तक, चार चैप्टर है अपने ऑर्गेनिक के, जिनमें अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं है, सब चैप्टर में एक एक दो दो क्रियाविधि है। और बेटा क्रियाविधि का एक तरीका सुन लो, क्रियाविधि कितने चरणों में होती है, हमेशा तीन चरणों में, तीन चरणों में क्रियाविधि संपन्न होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैडम SN2 अभिक्रिया तो एक ही पद में होती है, वो बात नहीं है, SN1 SN2 तो अलग प्रकार है। मेनली अपन ऑर्गेनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया की यदि क्रियाविधि पढ़ेंगे कि वो कैसे हो रही है, तो उसको अपन तीन चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ प्रथम चरण, और एक बात हमेशा और याद रखो, सबसे पहले मैंने लिख दिया फर्स्ट, प्रथम पद, पद नंबर एक, हमेशा ध्यान रखो बेटा पहला पद किसका होता है, सदैव उत्प्रेरक का, जो तीर के निशान पे तुमने उत्प्रेरक लगाया है ना, वही पद नंबर एक में सदैव भाग लेगा। समझ में आ गई दोनों बातें, महत्वपूर्ण क्रियाविधि, कभी एग्जाम में भूल भी जाओ तो ये बात याद रखना, क्रियाविधि तीन चरणों में होती है, प्रथम पद में, द्वितीय में और तृतीय में। प्रथम पद सदैव किसका होता है, उत्प्रेरक का, बस इतनी बात जानते ही तो बिल्कुल अंधे से अंधा भी इस अभिक्रिया को पूरा कर देगा। देखो कैसे, पहले पद में ये लो क्रियाकार ले लिया, ये ले लिया मैंने CH3, और ये हो गया मेरा CH2, और ये आ गया और S, सब इलेक्ट्रॉन वगैरह सब दिखाया गया, ऑक्सीजन के पास कितने रह गए, चार। अब प्रथम पद में कौन आएगा, H+। तुम चाहो नाम भी लिख सकते हो प्रथम पद का, बताओ किसका आक्रमण हो रहा है, H+ का आक्रमण। आ गई बार ढंग से समझ में, H+ का आक्रमण, बताओ H+ किसके आक्रमण करेगा, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ, ऑक्सीजन के ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये लो जी आक्रमण कर दिया, देखना देख। और ये देखो ये कॉमन सेंस की बात है, हमेशा कॉपी में काम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लगे वास्तव में आक्रमण किया है। तुम तीर का निशान तो दिखा रहे हो ऊपर से और जोड़ दिया नीचे, और हमेशा ध्यान रखे क्रियाविधि में ये एरो एरो सब दिखाने हैं, क्योंकि क्रियाविधि का मतलब ही होता है तुम ये बात समझाना चाहते हो कि कैसे बना उत्पाद, समझ गए, तो वास्तविकता दिखनी चाहिए कॉपी के अंदर। जैसे यहाँ से आक्रमण पड़ा, किससे कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन चेक कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि तुमने रट के काम किया है कि समझ के काम किया, समझ गए, ठीक है। बस यही तरीके हैं, देखो 100 में से 100 नंबर लाने के, केमिस्ट्री में आएंगे बिल्कुल 100 में से 100 नंबर, कहीं नहीं रुकेंगे, बिल्कुल वास्तविकता की तरह काम होना, ठीक है। देखो यहाँ पकड़ा, कहाँ जोड़ दिया, ये दो इलेक्ट्रॉनों पे बन जाएगा उपसह संयोजक, कोई बच्चा भूल जाए उपसह संयोजक में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ एक सीधी लाइन भी दिखा सकते, अपने को पता है ये बात की उपसह संयोजक ही बनी, और ये प्रत्येक हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे खोल के दिखाते हैं अपन क्रियाविधि में, ऊपर जाए भले ही तुम CH3 CH2 लिख दो, लेकिन क्रियाविधि में पूरा पद बिल्कुल खोल के लिखना। ये बन गया CH2, ये ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन एच, और ये अपना ये हाइड्रोजन जुड़ गई, समझ में आ गई बात। जुड़ते ही ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव, कौन सा आयन बन गया, ओक्सोनिया आयन, इसके पास लिख देंगे अस्थाई। अब तुम अपने दिमाग से ही बता दोगे बात, बताओ ये पद जो है H+ का आक्रमण, बेटा ये दीमा पद है कि तिर्व पद है, बताओ
खुद दिमाग लगाओ ये कौन है, ये ऐसा बिल्कुल गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं है, ना खाने को है ना रहने को। एच प्लस का मतलब जानते हैं? जीरो इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है। ये किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है ये तो देखो तुम, किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या होती है? प्रबल विद्युत ऋण। अब जानना तो इसकी मजबूरी है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन और किसी के पास भी नहीं दिख रहे, केवल ऑक्सीजन के पास ही दिख रहे, तो जानना इसकी मजबूरी है। इसलिए धीरे धीरे जाएगा, सोच समझ के, शर्म से तो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए ये पद कौन सा पद होगा? धीमा पद। एच प्लस का आक्रमण बिल्कुल क्या होगा? धीमा पद होगा। आ गई बात ढंग से समझ में? जैसे ही बन गया ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्सीजन को होश आया कि नींदों में आ गया था कोई, अपन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये क्या है बेटा? अस्थायी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस अस्थायी होता है। अब ऑक्सीजन तीव्र गति से, क्यों? क्योंकि हड़बड़ाहट से हो जाएगी इसके कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगी? किसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगी? कार्बन का। कार्बन का छीनते ही पद कैसा होगा? वो तीव्र पद। समझ गए क्यों? क्योंकि तीव्र गति से गई है अगली भाग करके, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तीव्र पद हो जाएगा, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। होगा कार्बोकेटायन, किसको कहते हैं कार्बोकेटायन? कार्बन पे जब धनावेश आ जाता है उसी का नाम होता है कार्बोकेटायन। तो अब ये तो हो गया पद नंबर एक। अब अपन पढ़ेंगे पद नंबर दो। देखना ध्यान से, पद नंबर दो में क्या होगा? पद नंबर दो को समझो बेटा। ये बना दिया पद दूसरा, देखें CH3, ये CH3 है, CH2 ये O है, ये H अस्थायी का, ये यही लिखा है मैंने, देखो जो नीचे था ये रहा अस्थायी होगी। ये तीव्र गति से तीव्र पद होगा, ये देखो किसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? कार्बन के। तो बोलो पद नंबर दो का नाम क्या लिख दूं मैं? कार्बोकेटायन का निर्माण। मैंने कोई चीज अपने मन से नहीं लिखी है, जो मुझे दिख रहा है बस मैंने वही लिखा है। बन गया कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। अब कार्बोकेटायन बनते ही देखो कैसे बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले गई, क्या बाहर चला गया? H2O। दिख तो रहा है क्या तुम्हें? H2O जाता हुआ दिख गया? ये देखो ये रहा H2O, ये देखो ये H2, ये O, ऑक्सीजन के पास हो गए चार इलेक्ट्रॉन, दो पहले के पड़े हैं, दो बंद के ले गए, इस कार्बन पे प्लस आ गया, ये लो CH3, और ये हो गया CH2, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। पद नंबर तीन। अब देखो कार्बन पे प्लस मांगते ही ये क्या है? ये दाता है इसका। ये इसी दिन के लिए तो जुड़े हैं कि जब कभी भविष्य में तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो हम तुझे इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जाएगा इस कार्बन के पास मदद मांगने, और कार्बन बताओ किसको मुक्त कर देगा? हाइड्रोजन, क्योंकि वो कहेगा कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे तीर का निशान दिखाओगे तुम, प्रत्येक पद में एरो जरूर दिखाना है, वरना जीरो नंबर देगा एग्जामिनर। सुन ले, बोर्ड एग्जाम में इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है बेटा। आ रही बात ढंग से समझ में? देखो उठा लिया इसको, बन गया कार्बोकेटायन। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं ना, एच प्लस को। तो इस पद का नाम बताओ क्या हो गया? या तो तुम लिख दोगे एच प्लस का निष्कासन, या पद का नाम क्या लिख दोगे? वी प्रोटोनीकरण। समझ में आ गई बात? वी प्रोटोनीकरण क्यों किया? विस्थापन हो गया प्रोटोन का, ठीक है? तो देखे करवाओ भी प्रोटोनीकरण, या रिमूवल, हटना भी कह सकते हो एच प्लस का। देखो हटते ही बताना मुझे क्या बनेगा? ये CH3, ये CH2, यहाँ हो गया पॉजिटिव, हट गया यहाँ से ये एच प्लस, हटते ही यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो तुम्हारे पास आ गया ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH2। आ गई बार ढंग समझ में? प्लस में क्या बार चला गया? H। देखो शुरू शुरू में, देखो पद नंबर एक जब तुमने लिखा था तुमने किसका योग करवाया था? H प्लस का, और अंत में वापस मुक्त क्या हो गया? H प्लस।
एच प्लस क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा तुमने क्या पढ़ी है? उत्प्रेरक वे जैव अणु होते हैं जो कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते। अंत में हमेशा ध्यान रखना, वो उत्प्रेरक तुम्हें वापस मिलेगा। ये देखो, ये मिल गया अपने को एच प्लस वापस। समझ में आ गई ना? पूरी अभिक्रिया ढंग से कर लेंगे बेटा, तीन पदों में होगी, 443 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है ये अभिक्रिया। पद नंबर एक में H प्लस का आक्रमण करवाएंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे, तो बनेगा ऑक्सोनियम आयन। और ये धीमा और ये तीव्र का फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें सर ने जहां तक मुझे ध्यान है चौथा लेसन पढ़ा दिया ना, केमिकल काइनेटिक्स। उसमें तुम्हें ये बात बताई होगी कि जो धीमा पद होता है वो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। उससे अपन ये बताते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, मतलब जितने क्रियाकारकों के अणु पे निर्भर करता। पढ़ा दिया क्या फोर्थ लेसन? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ाया फोर्थ लेसन? पढ़ा तो दिया उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स, नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स तो मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैंने पढ़ा। हाँ तो उस चैप्टर में है, यदि एक ही अणु के ऊपर कोई अभिक्रिया, कोई बात नहीं वो मैं दोबारा भी करवाऊंगी, यदि एक ही अणु पे निर्भर करती है अभिक्रिया तो अपन उसे बोलते हैं प्रथम कोटि की। यहाँ देखो अपने को एक ही तो दिखा था शुरू में, बस वो एल्कोहल। तो धीमे पद में अपन देखते हैं कितने क्रियाकारक है। समझ में आई बात? एक क्रियाकारक पे यदि अभिक्रिया निर्भर करेगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अब बोलो भाई आ गई क्या पहली? यही सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेटा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आई हुई है, ज्यादातर आई हुई है कि एल्कोहल की जो निर्जलीकरण की है अभिक्रिया उसको क्रियाविधि सहित समझाइए। तो समझ गए ढंग से? ठीक है। और कई बार क्या है ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और क्रियाविधि सहित समझाइए। जैसे ऐसे लिख देगा C2H5OH और यहाँ लगा देगा H प्लस 443 और लिख देगा A प्लस B। पूरा करो तुम तो इसको देखना बस, केवल 443 है ना, तो एक तो क्या बनेगा इसमें एल्कीन, यहाँ का OH जाएगा और इसमें से एक क्या चली जाएगी हाइड्रोजन, तो C2H4 और प्लस में क्या बन जाएगा H। क्रियाविधि मैंने तुम्हें समझाई थी कैसे करना, पूरा खोल के लिखना, तीन हाइड्रोजन फिर दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वगैरह सब। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देखो अपन ऐसे एक एक अभिक्रिया। आज मैंने सोचा था एल्कोहल अपन पूरा करवा दे, तो एल्कोहल होगा नहीं, लेकिन आज पे एक ही अभिक्रिया होगी। अब वो कोई बड़ी नहीं है, अब छोटी छोटी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया ध्यान दो, पहली अभिक्रिया डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण पूरी। हाँ महिमा इधर ध्यान दो, देखो अभिक्रिया दूसरी HX से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड HX से क्रिया पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, ROH की अभिक्रिया किससे करवा दूं? HX। बहुत सरल सरल अभिक्रिया है, कुछ भी नहीं है। ZnCl2 की प्रेजेंस में HX से जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे, ये देखो इसका इस बार अपने को कौन सा बंध तोड़ना है? RO बंध, और इसका क्या जाएगा बाहर? H। तो क्या बन जाएगा बेटा ये? RX। एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया दोबारा भी आएगी, ध्यान से सुन लीजिए, किसकी उपस्थिति में हो रही है? ZnCl2 और HCl की उपस्थिति, निर्जल ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको अभिक्रिया को अपन आगे ये ZnCl2 HCl लुकास अभिक्रमक कहलाते हैं। ZnCl2 HCl को लुकास अभिक्रमक कहते हैं। अभी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विभेद करेंगे ना, जब अपन पढ़ेंगे ये लुकास अभिक्रमक वाली क्रिया। यहाँ सिर्फ केवल 1 डिग्री की कोर्स में इसे ROH लिख दिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया कंप्लीट। तीसरी देखना, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं बेटा? SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रही हूँ? पिरिडीन की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया का नाम ध्यान दे, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं इसको, तुमने 11th क्लास में पढ़ी है ये अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ध्यान दो क्या होता है, देखो कौन सा बंध तोड़ना है तुम्हें? ये वाला, यहाँ का R इसमें से HCl, बोलो क्या बन गया? RCl प्लस यहाँ का ऑक्सीजन इस SO के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? SO2 प्लस यहाँ का HCl के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? HCl।
क्या कहता है ध्यान दो, SO2 क्या है? गैस है। HCl भी क्या है? गैस है। दोनों बाहर निकल जाएगी, उत्पाद बिल्कुल क्या बनेगा? शुद्ध। डार्जन अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद शुद्ध होता है। कारण तुम्हें पता चल गया क्यों? क्योंकि ये दोनों उत्पाद जो बन रहे हैं साइड प्रोडक्ट कैसे हैं, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, RCl बच जाएगा। डार्जन, जैसे एक गाड़ी का भी नाम होता है ना टार्जन, मूवी देखिए टार्जन वंडर कार, उससे याद रख लेना, टार्जन की तरह बिल्कुल स्मूथ चलने वाला। स्मूथ मतलब उत्पाद जो बनेगा ना बिल्कुल साफ सुथरा होगा। ठीक है, अगली बार ढंग से समझ में। ये अभिक्रिया हो गई थायोमिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया। फिर ध्यान देंगे ए का मीनिंग अमोनिया से क्रिया, करवा दो अमोनिया से क्रिया, क्या जोर आता है देखो। ROH की अभिक्रिया किससे करवानी है? NH3। बहुत सरल सरल अभिक्रिया है। इसका OH और इसका क्या बाहर चला गया? H। क्या बन गया? RNH2। कौन सी एमीन है ये? 1 डिग्री एमीन। बताया था कि यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दे अपने एल्किल ग्रुप से 1 डिग्री बन जाएगी। समझ में आ गई बात? यही करना है। दोबारा ROH डालोगे ना इसमें, इस अभिक्रिया में, देखो ध्यान दो, आगे भी करवा सकते हैं अपन इसको। अगर मैं इसमें दोबारा क्या डालू, ROH, तो यहाँ का OH इसका एच हट जाएगा, H2O, फिर R लग जाएगा, कौन सी एमीन बन जाएगी? 2 डिग्री। फिर दोबारा डालोगे, फिर H2O चढ़ जाएगा, 3 R हो जाएंगे, कौन सी एमीन हो जाएगी? 3 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन सब बना सकते हैं अपन एल्कोहल और अमोनिया की क्रिया से। यह अभिक्रिया दोबारा आएगी हाफमान विधि के नाम से, चैप्टर नंबर 13 में। हाफमान विधि कहते हैं अपन इसको। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो पांचवी अभिक्रिया सी। सी का मीनिंग क्या है? क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं, देखना देखिए क्या बनता है। क्लोरीन से अभिक्रिया में ध्यान दो बेटा, थोड़ा जल्दी फटाफट। ROH, अब मैं R बराबर कुछ लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया सी।